एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ब्लू हेवन के दो प्रोडक्ट्स के, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं आई प्रोडक्ट्स हैं। एक है ब्लू हेवन का फैशन मस्कारा और जो दूसरा है वो है इसी रेंज का ब्लू हेवन का फैशन आई लाइनर। सो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस मस्कारा के बारे में। सो इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़, यानी कि 125 रुपये, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 16 ml। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 16 ml, और ये जो है एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, स्मज प्रूफ है, और ये आपके लैशेस को कंडीशन भी करता है। तो कंडीशन के बारे में मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ भी है, और 125 रुपये में आप कुछ ज़्यादा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका वॉन्ड भी शो करती हूँ कि कैसा है। देखिए गाइस, इसका वॉन्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। पता नहीं मेरा कैमरा भी फोकस क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा वॉन्ड है। ये बहुत ही नॉर्मल सा एक वॉन्ड है जो कि मुझे इतना खास नहीं लगता है, और इसको अप्लाई करने के बाद, इससे मस्कारा को अप्लाई करने के बाद आपके लैशेस को लेंथ ज़रूर मिलता है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। सो इसका ओवरऑल पैकेजिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल स्लिक है और लंपी बिल्कुल भी नहीं है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और 125 रुपये में इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वॉन्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको सिंगल यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं मस्कारा प्राइमर लगाती हूँ, मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट मस्कारा आता है उसको पहले अपने लैशेस में बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ, फिर मैं इस मस्कारा को अपने लैशेस पे यूज़ करती हूँ, तो रिज़ल्ट अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सिंगल सिर्फ इस मस्कारा को अपने लैशेस पे यूज़ करोगे तो शायद उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और लेकिन इसका एक जो बात मुझे अच्छी लगती है वो है कि ये अपने इसको अप्लाई करने के बाद लैशेस बिल्कुल भी लंपी नहीं होते, मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक जगह पर जमता नहीं है, अच्छे से स्प्रेड होता है। तो 125 रुपीज़ में मेरा ओवरऑल व्यू है कि ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और अच्छा मस्कारा चाहते हो जो कि आपके लैशेस को लेंथ दे, वॉल्यूम दे, तो शायद आपको ये पसंद नहीं आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लू हेवन का जो फैशन आईलाइनर है इसके बारे में। तो इस आईलाइनर का जो प्राइस है वो है 105 रुपये, यानी कि 105 रुपीज़, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 6 ml। तो 105 रुपये में इसका पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, स्लिक है, बिल्कुल छोटू सा है, और हाँ मुझे पसंद है। अब इसका जो वॉन्ड है वो देखते हैं, मतलब इसका जो एप्लीकेटर है उसको देखते हैं। इसका एप्लीकेटर, इसका जो टिप है ये बिल्कुल शार्प है, पॉइंटेड है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे आईलाइनर अप्लाई करना मुझे बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है वो ना ही हार्ड है ना ही सॉफ्ट है, तो इससे ज़्यादा मुझे जो ब्रश वाले आते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इससे मेरा आईलाइनर ठीक से अप्लाई नहीं हो पाता है, बहुत इधर उधर फैल जाता है। तो इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल जेट ब्लैक है, और ये जो क्लेम करता है कि ये वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो हाँ ये वाटरप्रूफ भी है और स्मज प्रूफ भी है। बहुत ही लंबे टाइम तक आईलिड्स पे रहता है, 4-5 घंटे के बाद भी फेड नहीं होता है, और इसका फिनिश जो है मैट फिनिश है। सब कुछ होने के बाद भी मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो वॉन्ड है, एप्लीकेटर है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है,
और एक अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यूज़ ना करें। 105 रुपये पे करने के भी लायक नहीं है। 105 रुपये में आपको कोई दूसरा बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। तो ये है मेरा टोटल ओवरऑल व्यू इस दो प्रोडक्ट्स के बारे में, एक जो है ब्लू रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।